नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं आपका होस्ट कर्नल उत्कर्ष राठौर। आज हम व्लादिवोस्टोक चलेंगे, जहां पर ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की समिट हो रही है और आज रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन किम जोंग उन मुलाकात करने वाले। इस मुलाकात के ऊपर सारी दुनिया की निगाहें हैं। किम जोंग उन और उनका परिवार पिछले 75 सालों से नॉर्थ कोरिया के ऊपर सत्ता पर काबिज है। वो एक चालाक और सनकी किस्म के तानाशाह है। उन्होंने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को यह भरोसा दिया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम छोड़ देंगे अगर वो उनके साथ बात करें। डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे 3 बार मुलाकात की, सिंगापुर, हैनोई और 30th पैरेलल पर, लेकिन बाद में ये सारी मुलाकातें बेनतीजा रहीं। किम जोंग उन की एक सनक है, वो अपनी ट्रेन से सफर करते हैं और हवाई जहाज से बहुत कम सफर करते हैं, और इस बार भी व्लादिवोस्टोक जाने के लिए वो अपने लाओ लश्कर के साथ इस ट्रेन से गए। बात करते हैं कि इस मीटिंग के पीछे कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन युद्ध। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का बहुत नुकसान हुआ है, उसके मिलिट्री हार्डवेयर तबाह हो गए हैं, उनके बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु भी हुई है, और यहां तक कि रूस के अंदर मौजूद मोबिलाइजेशन और ट्रेनिंग प्रोसेस सैनिकों की भरपाई करने में असमर्थ। सैंक्शंस की वजह से रूस के अंदर ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज, वेपन इंडस्ट्रीज, हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने में असमर्थ। तो रूस बाहर के मुल्कों से मदद तलाशता रहा है, जैसे कि उसने ईरान से शाहिद ड्रोन्स लिए थे। इसका बैकग्राउंड यह भी है कि जुलाई के महीने में रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु प्योंगयांग गए थे। वहां उन्हें एक मिलिट्री एग्जीबिशन दिखाई गई, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और तरह तरह के हार्डवेयर दिखाए गए। सर्गेई शोइगु ने नॉर्थ कोरिया को यह प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स करें। आज जब पुतिन किम जोंग उनसे मिलेंगे तो साथ में सर्गेई शोइगु भी होंगे। तो इसके मतलब है कि इस मीटिंग का मेन मुद्दा, मेन एजेंडा मिलिट्री हार्डवेयर है। नॉर्थ कोरिया रूस को क्या दे सकता है? कहा जाता है कि रूस को नॉर्थ कोरिया आर्टिलरी शेल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, आर्टिलरी रॉकेट्स दे सकता है। नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री हार्डवेयर पुराने जमाने का है, उसका अम्युनिशन भी डंब है। आज की तरह उसके अम्युनिशन में कोई स्मार्टनेस नहीं है, सेंसर या कोई गाइडेंस यूनिट्स, लेकिन फिर भी बैटलफील्ड में डिस्ट्रक्शन के लिए, एट्रिशन के लिए तो काम है। हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी कोई ऐसा नया हथियार हो जो अभी तक दुनिया उसके बारे में न जानती, जैसे कि ईरान ने शाहिद ड्रोन देकर रूस यूक्रेन वॉर की कुछ दिनों के लिए दिशा ही बदल दी थी। लोगों का कयास सिर्फ ये है कि रूस नॉर्थ कोरिया से
हथियार और गोला बारूद लेगा। यह कयास थोड़ा गलत है। रेड ओवर ग्रीन सोचता है कि अगर रूस नॉर्थ कोरिया को कन्विंस कर दे कि वो अपने सैनिक रूस यूक्रेन वॉर में उतारे तो युद्ध की दिशा और दशा भी बदल सकती है। नॉर्थ कोरिया के पास कोई 9 लाख की स्टैंडिंग आर्मी है और नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन किम जोंग उनके एटीट्यूड और सनक जिसमें वो किसी का भी नहीं सोचते हैं वो मान भी सकते हैं। अगर 1-2 लाख सैनिक वो रूस यूक्रेन युद्ध में उतारने को राजी हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक और चीज रूस नॉर्थ कोरिया से ले सकता है वो है उसके शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स। इस्केंदर मिसाइल की कॉपी उनके पास भी है, KN-23। आज रूस को मिसाइल्स चाहिए जिससे कि वो यूक्रेन के अंदर एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को सैचुरेट कर सके और डिफीट कर सके। नॉर्थ कोरिया रूस से क्या चाहेगा? नॉर्थ कोरिया में खाने की कमी है। नॉर्थ कोरिया हो सकता है रूस से अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर मदद मांगे। नॉर्थ कोरिया ये भी चाहेगा कि रूस उसके मिसाइल प्रोजेक्ट को और सोफिस्टिकेटेड बनाने में मदद करे। नॉर्थ कोरिया और रूस अगर साथ आते हैं तो चीन को जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा चिंता होगी। आज तक नॉर्थ कोरिया चीन के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था। आज के लिए सिर्फ इतना। बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।